नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि मध्य रेल ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी जोश के साथ हम इस वर्ष भी उच्च लक्ष्य प्राप्त करने तथा नए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तत्पर हैं। गत वित्तीय वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियां आपके बहुमूल्य समर्थन के बिना हासिल करना संभव नहीं होता, जिसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। मैं आशा करता हूं इस वर्ष भी आप सभी का समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इस विशाल नेटवर्क पर ट्रेनें चलाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसे पूरा करने में हमारे लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर्स, ट्रैक, सिग्नल, ओएचई एवं ट्रेनों के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों तथा सुरक्षा, कार्मिक व स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है। गत वर्ष में मध्य रेल पर 158 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वश्रेष्ठ है और मध्य रेल के इतिहास में भी सर्वाधिक है। ठीक उसी तरह मध्य रेल पर माल ढुलाई क्षमता में भी वृद्धि हुई है और हम 100 मिलियन टन लक्ष्य की तरफ अग्रेसित हैं। यह तभी संभव होगा जब हम बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगे। यात्री तथा मालगाड़ियों की तेज आवाजाही के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 348 किलोमीटर की मल्टी ट्रैकिंग एवं अन्य नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जो सभी क्षेत्रीय रेलों में सर्वश्रेष्ठ है और मध्य रेल के इतिहास में भी सर्वाधिक है। इसके साथ ही अनुभागीय गति 1206 किलोमीटर ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई है। टिकट चेकिंग एवं NFR राजस्व में भी मध्य रेल अब तक सभी क्षेत्रीय रेलों में सबसे अव्वल रहा है। 2023-24 के लिए हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक यह भी है कि मध्य रेल पर कोई भी परिणामी दुर्घटना नहीं हुई और मुझे यकीन है कि इस वित्तीय वर्ष में भी हम कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। सुरक्षित गाड़ी परिचालन तभी संभव है जब हम अपने अपने कार्य को नियमावली के अनुसार ही करें तथा कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएं। इसके साथ हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा भी सुनिश्चित करें और कोई भी ऐसे कार्य न करें जहां रेलवे और अपनी सुरक्षा बाधित हो, तभी हम रेल और अपनी सुरक्षा पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर सकेंगे। हमारी यह कोशिश रहेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में उपलब्धियां और भी बढ़ें। मैं ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों को उनके सकारात्मक समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं, जिसके बिना ये उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं था। यह सारी उपलब्धियां मध्य रेल के मेहनती, समर्पित और ईमानदार टीम के सहयोग के बिना हासिल करना संभव नहीं होता। मैं पुनः आपके समर्थन और सहयोग बनाए रखने के लिए और पिछले वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।